हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं। किस्सा है माधुरी दीक्षित और रंजीत का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आखिर ऐसा रंजीत ने क्या किया माधुरी के साथ जो माधुरी को आ गया गुस्सा और वो हो गई शर्मसार। अगर हम बात करें माधुरी दीक्षित के बारे में, तो माधुरी बॉलीवुड की उस सफल अभिनेत्री में से एक रही है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन उनका शुरुआती सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उस समय उनकी एक फिल्म आई थी 1989 में प्रेम प्रतिज्ञा, जिसमें माधुरी दीक्षित को मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट कास्ट किया गया था। इस फिल्म में रंजीत जो कि एक विलन के रोल में थे। दरअसल इस फिल्म में एक रेप सीन भी शूट होना था, जिसे लेकर माधुरी दीक्षित बिल्कुल अनकंफर्टेबल थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह का सीन करे, लेकिन डायरेक्टर के दबाव में आके उन्हें इस तरह के सीन के लिए हामी करनी पड़ी। लेकिन इस सीन के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसे माधुरी नहीं भूल पाए। माधुरी ने लेकिन उस चीज़ को ऐसे डील किया जिसे आज भी बॉलीवुड याद करता है। तो आखिर क्या हुआ था माधुरी दीक्षित के साथ, आइए हम आपको ये बताते हैं। जब रेप सीन की शूटिंग हो रही थी, इस सीन में रंजीत को माधुरी के साथ जोर जबरदस्ती करनी थी। डायरेक्टर के प्रेशर में माधुरी दीक्षित इस सीन के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। जब ये शूट शुरू हुआ तो रंजीत सचमुच बहक गए और वो सच में माधुरी दीक्षित के साथ छेड़छाड़ करने लगे। यहाँ तक कि डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद भी रंजीत नहीं रुके और माधुरी दीक्षित के साथ जोर जबरदस्ती करने लग गए, उन्हें गलत तरीके से छूने लग गए, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी हाथ लगाने की कोशिश की, जिसका माधुरी दीक्षित ने मुंहतोड़ जवाब दिया। माधुरी दीक्षित उन पर जोर से चिल्लाने लगी और उन्हें चिल्लाते हुए कहा कि अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूँगी। साथ ही उन्होंने रंजीत को वहाँ पे खूब सुनाया और ये भी बात सामने आई थी कि उन्होंने रंजीत को सबके सामने सेट पर थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसके बाद रंजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये देख सभी वहाँ पे इस बात से हैरान हो गए थे माधुरी दीक्षित का ऐसा बिहेवियर देख के। और बॉलीवुड आज भी इस बात को याद रखता है कि माधुरी दीक्षित ने कैसे हिम्मत जुटाते हुए इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। माधुरी दीक्षित उस समय काफ़ी इस तरह के रोल उन्होंने निभाए थे जो रोल माधुरी दीक्षित नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज माधुरी दीक्षित का नाम एक सफल अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता है। माधुरी दीक्षित और रंजीत, उनको अब देखा जाता है सोशल मीडिया पर, और हाल ही में दोनों को एक रियलिटी शो में एक साथ देखा गया था जहां पर रंजीत और माधुरी दीक्षित ने अपने कई किस्से भी शेयर किए थे। रंजीत हमेशा विलन के रोल में ही नज़र आए हैं, जिन्हें विलन के रोल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। आज माधुरी दीक्षित और रंजीत एक साथ रियलिटी शो में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।